हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए वीकली टैरो गाइडेंस फॉर द वीक 3rd फेब्रुअरी टू 9th ऑफ फेब्रुअरी 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जोडियक साइन, दैट इज एरीज, एंड द गाइडेंस कार्ड इज टू ऑफ पेंटकल। टू ऑफ पेंटकल्स का कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको दो बार ज़रूर सोचें। आपको थोड़ी सी मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ेगी इस वीक में, ताकि आप अपने बजट्स को मैनेज कर सकें। हमारा नेक्स्ट जोडियक साइन है टॉरस, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 8 ऑफ पेंटकल्स। 8 ऑफ पेंटकल्स बता रहा है कि आपने जो भी काम हाथ में लिया है उसकी तरफ पूरी तरह से फोकस्ड होना पड़ेगा, ताकि आप परफेक्ट हो सकें। लेकिन इस परफेक्शन के चक्कर में खुद को मत भूलिएगा, अपने आप को भी थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट जोडियक साइन इज जेमिनी, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि हमें हमारे रूट से वापस जुड़ने की जरूरत है, हमारे बड़ों की मदद की जरूरत है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो प्लीज अपने बड़ों की सलाह जरूर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। Now the next zodiac sign is Cancer, and the guidance card is 5 of Pentacles. 5 of Pentacles बता रहा है कि अगर आपको मदद की जरूरत है तो वो आपको मिल सकती है, बस आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा जिनसे आप नहीं बोलते। हो सकता है कि वो आपकी मदद कर दें, एंड डोंट टेक एनी रिस्क। मुश्किल समय के लिए कुछ बचा कर जरूर रखें। हमारी नेक्स्ट जोडियक साइन है लियो, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 6 ऑफ पेंटकल्स। 6 ऑफ पेंटकल्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको अपनी वेल्थ को वाइजली यूज करना है। अगर आप किसी को जरूरत में देखें तो उसकी मदद जरूर करें, और अगर आपको खुद मदद चाहिए तो आप मांग भी सकते हैं, हिचकिचाइए नहीं। नेक्स्ट जोडियक साइन है वर्गो, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स आपको गाइड कर रहा है कि ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ जॉय टू यू। अपने काम को और इन्जॉयमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए, उनके साथ इन्जॉय करिए, पार्टी करिए, हो सकता है तो वेकेशन पे चले जाइए। अब अगला जोडिक साइन है लिब्रा, एंड द गाइडेंस कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपने जो भी सोचा है अब उसको हकीकत में बदलने का टाइम आ गया है। अपने करियर की तरफ फोकस्ड हो जाइए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाइए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए, एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। नाउ द नेक्स्ट जोडियक साइन इज स्कॉर्पियो, एंड द गाइडेंस कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स आपको गाइड कर रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज जो आपके करियर में आ रही हैं उनको ले लीजिए। अपनी डिजायर्स को, विश को पूरा करने के लिए बोल्ड एक्शन लेने की जरूरत है। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आवर नेक्स्ट जोडियक साइन इज सेजिटेरियस, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप गोल्स को पूरा करने का टाइम आ गया है। स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। अगर आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। आवर नेक्स्ट जोडियक साइन इज कैप्रिकॉर्न, एंड द गाइडेंस कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटकल्स। नाइट ऑफ पेंटकल्स बता रहा है कि आप अपनी डेली रूटीन से बोर हो गए हैं, इसलिए आपको ब्रेक की जरूरत है। हैव वेकेशन, ताकि आप इस बोर्डम की फीलिंग से बाहर आ सकें। इस बोर्डम की फीलिंग को खत्म करिए और अपना टारगेट अचीव करिए, यू विल डेफिनेटली गेट इट। आवर नेक्स्ट जोडियक साइन इज एक्वेरियस, एंड द गाइडेंस कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको कम्युनिकेशन बनाने की जरूरत है। दूसरों की बात सुनिए भी और उनको रिस्पेक्ट भी करिए। Our last zodiac sign is Pisces, and the guidance card is 7 of Swords.
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, एक्सेप्ट करिए कि आपने गलती करी है। स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, आपके मन की आवाज़ को सुनिए, वो आपको बता देगी सही क्या है गलत क्या है, एंड फॉलो इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर टैरो गाइडेंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।